नमस्कार, जम्मू कश्मीर टुडे में आपका स्वागत है। आखिर वो दिन आ गया जब सरपंचों को गवर्नर श्री मलिक साहब ने शपथ दिला दी। एक महीना दो दिन के बाद इनको शपथ दिलाई गई है। हमारे साथ दूर दराज की पंचायतों के कई महानुभाव मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैं सबसे पहले अपने सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने जो पंचायत इलेक्शन करवा के एक ग्रास रूट पे जो काम करने की क्षमता है लोगों की, उसको जागृत किया। लोकनाथ सुदन जी, सरपंच सुंदरबनी अजवाल भी जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से गवर्नर साहब की ये पहली जो स्टार्ट था, जिस तरह से उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, हम उनकी सराहना करते हैं। मेरा नाम विनोद बजाल है और मैं सरपंच कैंडिडेट पंचायत रेडुलोर बी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट रजौरी, ब्लॉक मोगला से जी। शब्द का तो बहुत इंतजार था कि शब्द इतने दिन से क्यों नहीं हो रही, लेकिन आज जो गवर्नर साहब ने एक बहुत बड़ा इतना काम किया जो कि पहली बारी ही हुआ है जो इंडिया में, जम्मू कश्मीर में या इंडिया में कोई जो गवर्नर साहब ने जो शब्द धुलाई है बहुत अच्छी, और बहुत सरपंचों की बहुत इज्जत मान किया। सरदार मोहन सिंह, मेरी पंचायत तला टांडा और मेरा ब्लॉक सुंदरबनी डिस्ट्रिक्ट रजौरी, मतदाताओं का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम ऑनरेबल गवर्नर साहब के सामने आज हमने ओथ ली, और हम धन्यवाद करेंगे गवर्नर साहब का भी। मेरा नाम अरुण शर्मा है जी, सुंदरबनी का रहने वाला हूँ, जिला राजौरी, जे एंड के स्टेट जी। मैं अपनी पंचायत के लोगों को जो धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनकी वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुँचे। मैं सरपंच सतपाल शर्मा, पंचायत हलका अपर बजवाल बी, ब्लॉक सुंदरबनी। मैं अपने मतदाताओं को थैंक्स करूंगा कि आज उन्होंने ये मौका दिया कि हमें गवर्नर साहब के सामने शपथ ग्रहण करने का मौका मिला, और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमें हाई प्रोफाइल जो है शपथ ग्रहण की है, और हम जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम अनिल कुमार, मैं पंचायत मिडिल कांगड़ी, ब्लॉक सुंदरबनी, डिस्ट्रिक्ट रजौरी, तहसील बैरीवतन जी। जो लोगों के छोटे छोटे काम हैं वो पिछले 10 साल से रुके हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा था, नालियाँ, गलियाँ, सड़कें और छोटे छोटे स्कूल की संख्या दिन ब दिन, बच्चों की संख्या कम होती जा रही है, टीचरों की संख्या 10-10 टीचर और 2-2 स्टूडेंट है वहाँ। सरपंचों की बहुत इज्जत मान किया और बहुत ही अच्छी पावरें भी उन्होंने बताई और दी है हमारे को, बहुत हम गवर्नर साहब का धन्यवाद करते हैं, बहुत शुक्रगुजार करते हैं उन्होंने। पहली प्राथमिकता अब आपकी क्या होगी, पहला काम आपका क्या होगा? हमारी प्राथमिकता लोगों के जो वादे हमने किए हैं उन पे खरे उतरना जी। तकरीबन एक महीना जो है हो चला है इलेक्शन को हुए हुए जी, तो हमने तो डेवलपमेंट का काम जो है शुरू कर दिया है। उन्होंने जो एक आम आदमी होने के नाते हमारे से जो बातें शेयर की, हमें बड़ी ही खुशी हुई, और हमें काम करने का आगे भी मजा आएगा इस चीज़ में, क्योंकि हमें उन्होंने प्रोत्साहन किया। मैं मलिक साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने, चलो देर आए दुरुस्त आए, कि कम से कम हमारे लोगों की जात तो आई, और आने वाले टाइम जो है, आने वाला समय जो है, वो काम ग्रास रूट पे होंगे।